मैं इसलिए मैन्युफैक्चरर्स को कहता हूं, आपका हर एक प्रोडक्ट भारत का ब्रांड एम्बेसडर है। जब तक वो प्रोडक्ट इस्तेमाल में लाया जाता रहेगा, उसे खरीदने वाला कहेगा, बड़े गर्व से कहेगा, सीना तान करके कहेगा, हाँ ये मेड इन इंडिया है, ये मिजाज चाहिए। अब आपके मन में दुनिया के मार्केट में छा जाने का सपना होना चाहिए। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश के अलग अलग सेक्टर्स और देश के छोटे शहरों में भी, टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं। उनकी भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने में बड़ी भूमिका भी है। सरकार अपने इन स्टार्टअप के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। उन्हें आर्थिक मदद देना हो, टैक्स में छूट देना हो, उनके लिए नियमों को सरल बनाना हो, सब कुछ किया जा रहा है। हमने देखा है कोरोना के इस कठिन काल में हजारों नए स्टार्टअप्स उभर करके आए हैं, बड़ी सफलता से वे आगे बढ़ रहे हैं। कल के स्टार्टअप आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इनकी मार्केट वैल्यू हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। ये देश में नए प्रकार के वेल्थ क्रिएटर्स हैं। ये अपने यूनिक आइडियाज की शक्ति से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को छा जाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। इस दशक में भारत के स्टार्टअप